अभी मेरे को अमेजोन वाले भैया का कॉल आया कि आपका एक पार्सल है। मैं कसम से बोल रही हूँ, कसम से, इस बार मैंने इतना बड़ा तो कुछ नहीं मंगाया। ये कहाँ से आया है, किसका आया है, कुछ गलत तो नहीं है? एड्रेस तो मेरा ही है, नाम भी मेरा है सृष्टि राजपूत, बट मेरे को सच में नहीं पता है कि ये कहाँ से आया है और ये क्या है, किसने भेजा है इतना बड़ा। मतलब मैं इतना बड़ा मीशो से ही मैं ज़्यादातर ऑर्डर करती हूँ, ये कैसे आ गया, मतलब कैसे आ गया। चलिए ऊपर खोल के देखते हैं और पता करते हैं कि किसने भेजा। सबसे पहले तो दोस्तों को कॉल करना शुरू करेंगे कि ये भेजा किसने है, बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने इसे मंगाया है। चलिए चलते हैं लेके इसको, बट हल्का भी एकदम लग रहा है कि ये कंबल या फिर कुछ ऐसा क्या गद्दा वगैरह टाइप का या तकिया टाइप का लग रहा है। चलो लेकर के इसे चलते हैं। क्या ये तुम ऑर्डर की हो मेरे लिए? क्या ये तुम मुझे गिफ्ट की हो? हाँ, पूरा एक्साइटमेंट ही मार दी तुम तो दादी। क्या ये तू हमरा के मंगा के दल बड़ू का? कोई कितना क्यूट बड़ू हो। अरे तो तारा सच बोले के बा, तो है तू मंगेले बड़ू नानू, तो बस सच बोले के रहला। का कोई का होला, इतना बड़ा सा मेरे पास गिफ्ट रिसीव हुआ है। और दादी कसम से कह दनी, तहार क्रिया हम नहीं मंगेले। पता करे के पड़ी गया देले बा, पता करा। दीदी इधर आ, तोर क्रिया इतने बड़ा गिफ्ट हम नहीं मंगेले, कहाँ से आई बा? बाकी एड्रेस हमरे बा। एक्साइटेड हो गए हैं, पूरा एक्साइटेड हो गए हैं हम भाई की। ये क्या है दादी, चिर दिया हो? चिर दिया, लेकिन पहले दीदी के पहुँचा के आए बाद एक चिरल जी ना, तो अभी ना नहा धोकर आराम से खोले हैं के। अच्छा भाई, जो भी भेज ले बकर क्रेडिट तो देगा परिनू, कितना अच्छा सीज आया है या फिर कितने का है, जो भी अच्छे से वीडियो बनाएंगे तो तुम ब्लॉग देखना हमारा। ठीक है गाइज, नहा धोके आते हैं फिर इसको खोलते हैं। हाय दोस्तों, अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमें ये सुबह में ही मिल गया था, अब जो कि हमारे पास वक्त नहीं था तो हम इसे नहीं खोल पाए थे। तो दादी को बहुत ज़्यादा ये है जानने की कि इसमें क्या है और किसने क्या भेजा है, तो हम दादी को चाहेंगे कि तू आ जा। हाँ आवा आवा, तारा सामने खोलें कि का हो। आपको जानना था ना कि इसमें क्या है, तो आ जाइए अंदर, आ जाए करके सटाए तो नहीं, गाना बजा रही है, बैठ जाओ जी। तो हमें नहीं पता है सच में कि ये किसने क्या भेजा है, बट जिसने भी भेजा है ये हम गेस कर सकते हैं कि ये क्या है। दादी गेस कर का हो सकता है ना, या तो ये कंबल हो सकता है, तकिया हो सकता है, गद्दा हो सकता है, या फिर टैडी बियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट क्या है चलो खोलते हैं। ये हमने एक मुहूर्त निकाला ऐसे, पूरा काटना पड़ेगा क्या? ना हो काटे के पड़ी, हई सिलाई काटे के पड़ी। ओ एम जी, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कुछ तो ये है। किसी ने गिफ्ट कर दिया है मुझे इतना बड़ा गिफ्ट। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो ये टकला होना शुरू करेगा। दादी करिए कचड़ा नानू हो, कहेगा निकाल कर खींच माई, अरे कहे नहीं और काटे ना। का धर रही में फिर दादी आई, तारा खानी जोगाव निहार केहू नहीं खे। ओह माय गॉड, ये तो बीन बैग है, ये मेरा फेवरेट। रुको बताओ तो नहीं कहा हो। ये है बीन बैग जो मेरे को रखना था अपने घर में, और ये बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है विथ बीन। और इसमें पहले देख लेते हैं, इसमें बीन भरे हुए हैं और ये एक पिलो मिला है इसमें रखने के लिए, और ये कुछ ऐसे रहेगा, हम दिखाते हैं आपको। ऐसे ही बैठेंगी, हट जा, तेरा अब कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बैठ सकते हैं, या चाय कॉफ़ी कुछ इस पर रखना हो तो रख सकते हैं, और ऐसे चाहे तो आप इसे इसको बैग पिलो का यूज कर सकते हैं ऐसे। आप ऐसे कैसा बनना? तो अब हम दादी से सवाल करना चाहेंगे कि दादी तहरा में और बीन बैग में कोनो फर्क नहीं है ना? ठीक है नहीं है। कैसे? तो हम छोटे मानिए बीन बन छोटे ओसे ना, इो पियर बा कपड़ो पियर बतार, अब नोटिस कैलू कि का कनिया है? कैसे लगता है? हां ठीक लगता,
देखा ये हम तो मंगेले नहीं थी, अभी के मंगेले भाई एक बात के हमारा पता करे के बाद। तो सबसे पहले तो हम अपने घर में सब कोई से पूछ ले बनी आप, लेकिन पीछे कहानी में देख लो क्योंकि हम सब किसी से पूछे हैं कि ये किसने भेजा है, किसने भेजा है, किसी ने भेजा है, क्या तो ये तू भेज ले बड़ू नहीं। तो हमारा जो गेस है वो एक ही इंसान पे जा रहा है जो हमें गिफ्ट कर सकता है, तो चलिए हम उसको कॉल लगाते हैं। हे सीरी, कॉल जी अभिषेक जी ऑन स्पीकर। हाँ अभिषेक जी, हरे कृष्णा, पूछ रहे थे कि आप हमको कुछ गिफ्ट भेजे हैं। हाँ। क्या भेजे हैं? बीन बैग। किस कलर का? पीला। पीला कलर का? आपको कैसे पता कि हमको पीला कलर का चाहिए था? आपको आपके घर का दीवार उस कलर का है तो मैं चाहता था ना, आप बोले थे कि आप पीला बनाएंगे तो मेरा ब्लैक बनाया। अरे यार, हम ना घर में सबसे पूछ ले कि किसने गिफ्ट किया है, बट किसी ने नहीं बोला, तो हमारा आखिरी गेस्ट जो था वो आप पे जा रहा था, तो हमने आपको कॉल लगाया, तो सोचा कि हम अपने ऑडियंस को भी बताएं कि हमें किसने गिफ्ट किया है। बहुत सारे लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो सबको बोल दो कुछ आप। कौन सुन पा रहा है? मतलब वीडियो बनेगी तो लोग तो सुनेंगे ना। नहीं, लाइव नहीं है, वीडियो बन रही है। वो आपके दीवारों का कलर पीले कलर से सही रहेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच हमारी तरफ से जो आपने हमारे लिए इतना सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमें बहुत पसंद आया जी। हाँ ठीक है, और बहुत पसंद आया मुझे ये, सच में कलर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है येलो। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे प्रिय दोस्त जी अभिषेक जी ने मुझे भेजा है, और मैं इसे का प्राइज पूछ करके उनसे आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कितने में मिला है, या फिर उन्होंने मुझे कितने में भेजा है, ताकि मैं आप लोगों को इसका प्राइज बता पाऊँ। अगर आप अपने घरों में इसको लगाना चाहे, बालकनी में लगाना चाहे, या फिर कहीं भी आप इसको लगाना चाहे तो अच्छे तरीके से लगा पाए, इसलिए अगर आपको इसका लिंक चाहिए या कुछ भी तो हम अभिषेक जी से मांग के आपको सेंड कर देंगे। अगर चाहिए तो कमेंट पर लिंक ऐसे कमेंट कर देना लिंक के लिए। बाकी मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर इसके कंफर्ट की बात करें तो सबसे पहले तो इस पिलो पे हम अगर आते हैं तो इसमें एक जीप है चेन, और इसमें ना बहुत सारे बीन्स भरे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। देखो वाइट वाइट, इसे खोलते ही ना ये उड़ने लगेगा, इसलिए इसको नहीं खोल रही हूँ। ये एयर जैसे होते हैं, तभी तो इस पर हम लोग बैठते हैं, तो ये फूटते नहीं है या फिर पचकता नहीं है। देखो निकलने लगा, मैं हूँ ही राक्षस, खोलना ही नहीं था इसको। आप इसका कवर भी लेकर के लगा सकते हो ताकि ये गंदा ना हो। देखो मेरे से गिर रहा है, उड़ता है ये, इसीलिए दिक्कत है। उड़ा था ना, मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि ये उड़ रहा है पूरा, बिन हवा में है, इसमें है तो हवा में उड़ रहा है। और इसके साथ भी ये दिया हुआ है जिसमें इसके पीछे भी इसे जीप लगा हुआ है, आप इसको खोल कर इसमें भर सकते हो। इसका कवर मंगा लोगे, ये येलो कलर है, गंदा तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें कवर लगा दोगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। साथ में जो ये है इसका बैठने वाला जो कंफर्ट है, इसके साइड में एक पैकेट दिया हुआ है जिसमें आप अगर बैठ करके डायरी पे कुछ लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो साइड में पेन या डायरी या कुछ भी ऐसे लैपटॉप कुछ भी इसमें फंसा सकते हो। तो इसका जो पैकेट है वो एक साइड ही है, और ये 4XL है साइज़ जो इसका है वो 4XL है, और ये बहुत ही ज़्यादा है अच्छा है। देखो 4XL है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच अभिषेक जी जो आपने हमें ऐसा इतना प्यारा गिफ्ट किया, मुझे इसकी सच में ज़रूरत थी। बाकी आपको ये हमारा बीन बैग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू हमारा जो आप वीडियो देख रहे हैं इतने प्यार से, और अपना आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो कुछ बोलेगा चाहे बोल ना बोला लेकिन बोला ना कुछ नहीं तो बोल दो, आशीर्वाद बने ले, आशीर्वाद भगवान तरह के बनोले रखस। हाँ, सब लोग से कहा फॉलो, सब लोग से, सब कोई हमरा बमनी पर आशीर्वाद देत रहो। ऐसा पोती दादी ने बोली, हमरा के बहुत माने, इनका के बहुत भगवान से मानस, बहुत गांव लोग जवार माने।
तो आपने दादी की बात सुनी, तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारी चीज़ों को समझें और हमें ऐसे ही प्यार और मोहब्बत अपना बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। मुझे बहुत प्यारा लगा, तो आज तो मेरे को रात में नींद ही नहीं आने वाली है, मैं ऐसे ही पटाई रहूँगी ऐसे ही। ठीक है, बाय बाय गाइज, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।